सोमवार यानी आज तड़के हरिद्वार के गंगा घाटों पर कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। हालांकि बाहरी श्रद्धालुओं पर पाबंदी लगाने से तीर्थ नगरी के गंगा घाटों पर सीमित भीड़ दिखाई दी। हर की पैड़ी सहित अन्य घाटों पर स्थानीय लोग ही स्नान करते दिखे, जिस वजह से ज्यादा भीड़ जमा नहीं हो पाई। घाटों पर बैरिकेटिंग और पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कार्तिक पूर्णिमा पर हर की पैड़ी समेत अन्य गंगा घाटों पर बाहरी श्रद्धालुओं ने स्नान नहीं किया। रविवार को डीएम ने स्थानीय लोगों को शर्तों के साथ गंगा स्नान करने की अनुमति दी थी। हरिद्वार और ऋषिकेश में गंगा स्नान पर प्रतिबंध के चलते बाहरी प्रदेशों से पहुंचने 2000 से अधिक वाहनों को पुलिस ने बॉर्डर से ही लौटा दिया था। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्रीमान हरिगिरी महाराज ने कहा कि नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए बिहार में चुनाव कराए और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में भी चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनावी रैलियों एवं जनसभाओं से संक्रमण नहीं फैला है, तो पर्व स्नानों पर क्यों रोक लगाई जा रही है? स्नानों पर प्रतिबंध लगाकर करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट लगाई जा रही है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।